तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो 15 अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में 30 बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो 40 असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे इन अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए अब पंडित जी से कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, और क्या क्या अशुभ संकेत है जिनका असर काफी बुरा हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखो, ऐसा है, शरीर में भी अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं, एक के बाद एक आपके सभी काम रुकने लगे हैं, तो गुरुवार को अपने गुरु की सलाह लेकर काम करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा तभी आपको गुरु अच्छा मिलेगा। अगर आपका बृहस्पति नीच राशि में, नीच नवांश में है, तो आप गुरु कर लोगे तो गुरु के कारण ही आपका सर्वनाश भी हो जाएगा। इसलिए यदि बृहस्पति नीच राशि, नीच नवांश में हो तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जिसका कोई मनुष्य गुरु न हो उसके गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। ये बात बहुत तजुर्बे की आपको बता रहा हूँ। जिनकी कुंडली में नीच का बृहस्पति होता है और नीच के नवमांस में होता है, पापग्रह से पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति का गुरु केवल धनहारी होता है, धन का अपहरण करने वाला होता है, शोक का अपहरण नहीं करता है। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु सिर्फ शिष्य के धन का अपहरण करता है और उसके शोक को, उसके दुख को कम नहीं कर पाता है, ऐसा गुरु जन्म जन्मों तक नरक में रहता है। शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी में छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है हमारे सामने कि कई बार हमारी रत्न की अंगूठी खो जाती है, अंगूठी न खोए तो उसमें से नग निकल करके गिर जाता है, पता नहीं लगता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो तत्काल फिर से दूसरा रत्न लगवा लेना चाहिए या दूसरी अंगूठी बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रहों को झेल नहीं पाया जिसके कारण वो टूट गया और आपके ऊपर विपदा नहीं आई, रत्न के ऊपर विपदा आई। अब आप नई अंगूठी बनवा करके फिर उसे शुक्ल पक्ष में, और जो दिन निश्चित हो उस दिन आप उसे धारण करिए। तब तक आपको क्या करना है, जब तक अंगूठी नहीं पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृता। इस मंत्र को 11 माला, जब तक आपके हाथ में पुनः अंगूठी नहीं आती तब तक करना चाहिए। शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और किसी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। दूध से या गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सोना तो खोना और सोना पाना दोनों बहुत अशुभ होता है। सोना अगर आपका खो गया तो ये आपके लिए बुरा है, सोना अगर आपने कहीं पड़ा हुआ पा लिया तो भी आपके जीवन के लिए अशुभ संकेत है। सोना अगर आपने पा लिया तो जिसका सोना है उसको आप वापस लौटाइए, वरना दुर्भाग्य के लिए तैयार हो जाइए। सोने या चांदी की ज्वेलरी का खो जाना शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत और मान सम्मान को लेकर बहुत परेशानी हो सकती है। घर के मुखिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे परेशानी से बचने के लिए आपको किसी धर्म स्थान में केले के 2 पेड़ लगाने चाहिए गमले में, और गुरुवार को चावल और हल्दी ये जरूरतमंदों को खिलाना चाहिए। हल्दी वाला चावल बना करके भूखे लोगों को उसके साथ स्वादिष्ट व्यंजन बना करके खिलाना चाहिए, और 2 किलो आलू
उबाल कर उसको छील कर हल्दी से रंग कर गायों को खिलाना चाहिए। 200 ग्राम 250 ग्राम गाय का शुद्ध घी किसी विष्णु मंदिर में राम मंदिर में दान करना चाहिए। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपके गाल कट रहे हैं, आपकी जीभ कट रही है, ये बहुत बुरा संकेत है। ये आने वाली बहुत बड़ी परेशानी का संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार आपको भूखों को, निरीह प्राणियों को भोजन कराना चाहिए, तब इसका दोष समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी।